जनता पार्टी को मिली जीरो सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में जीरो सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है, कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं, किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है केजरीवाल जी के घर? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहां है? पॉलिटिक्स तो बहाना है, वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान किसी तरह कोई नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान? तो सर, यूजुअली देयर इज अ बैरिकेड व्हेन यू एंटर फ्रॉम द मेन रोड इनटू द स्लिप रोड, देयर इज अ पुलिस बैरिकेड, अ हेवी बैरिकेड एंड प्रेजेंस ऑफ पुलिस देयर। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? आई मीन, वाज इट देयर फ्रॉम द मॉर्निंग और वाज इट एब्सेंस इन द मॉर्निंग और दे ब्रॉट दैट? इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को आज। तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया, कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है। बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। जस्ट वॉचिंग, वी आर फाइलिंग। सीसीटीवी कैमरे लगे, सीसीटीवी फुटेज भी होगी आपके पास, क्या उसके वो कर रहे हैं? सर, कोई प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे?